नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डेजल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, पूछ रहे थे कि हमारी सर इचिंग हो रही, खुजली हो रही बॉडी पे, वो जा नहीं रही तो किस तरह जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये एक आयुर्वेदिक तरीका है और आपको जो है वो जड़ से खुजली से निजात दिला देगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जा सके। तो दोस्तों, ये है नारियल तेल, 10 रुपए का पैरासूट तेल है। तो दोस्तों, आप जब भी नारियल का तेल लीजिएगा तो पैरासूट का तेल ही लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तेल माना जाता है और पाया जाता है और रियल में है भी। तो दोस्तों, जहां पे आपकी कान के नीचे, गर्दन के नीचे खुजली हो रही है, कपूर के साथ इसको मिला के आप अप्लाई कीजिए। मात्र 3 दिनों के अंदर आपकी जो खुजली है वो खत्म हो जाएगी और आपको पहले ही इस्तेमाल से आपको आराम मिलने लगेगा। 2 मिनट का काम होगा, आप 2 मिनट के अंदर इसको 2 बूंदे लीजिएगा और थोड़ा सा कपूर लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा और जहां पर भी खुजली है वहां पे लगाइए और देखिए बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आप लोग अगर खुजली की दवा खा रहे हैं ना तो उससे हो सकता है, दवा जो होती है एलोपैथिक, उसमें कई ढेर सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक तरीका अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये एक नेचुरल तरीका है, तो दोस्तों आप इसको अप्लाई कीजिए। बहुत सारे लोग जानते होंगे ये मेथड, लेकिन हाँ दोस्तों, ये आयुर्वेदिक तरीका होता है तो आपको तुरंत ही आराम नहीं देता है, लेकिन हाँ अगर आप इसको 1-2 बार यूज कर लेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर इससे जुड़े आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट कर लीजिएगा।